Honorable Prime Minister Sir, Namaskar. My name is Ashwini. I am a student of Kendra Vidyalaya No. 2, Madurai, Tamil Nadu. My question to you, Sir, is how do I deal with my family disappointment if my results are not good? What if I don't get the marks I am expecting? Being a good student is also not an easy job. Expectations of others become so high that the person who is giving exam gets so much stressed and they go into depression. Nowadays, it is common for students to cut their hands and become irritated, and there is no one they could trust with their feelings. Kindly guide me on this. Thank you, sir. Dhanyavad, Ashwini. Honorable Prime Minister, sir. Navtej Dagur hails from the heart of India's capital, Delhi, the imperial seat of several empires with its charming blend of a grand medieval history and amazing architectural style. Navtej is seated in the hall and wishes to discuss an identical issue through his question. Navtej, please ask your question. Good morning, Honorable Prime Minister, sir. I am Navtej Jagur of Kendriya Vidyalaya, Pitampura, Delhi region. Sir, my question to you is, how do I deal with my family's situation when my results are not good? Kindly guide me, sir. Thank you very much. Thank you, Navtej. Maniya Pradhan Mantri Ji, Sansar ko shanti aur karuna ka sandesh dene wale Bhagwan Buddh, Guru Govind Singh, tatha Vardhaman Mahavir ki janmabhumi प्राचीन नगर पटना से प्रियंका कुमारी कुछ इसी प्रकार की समस्या से जूझ रही हैं और आपका मार्गदर्शन चाहती हैं। प्रियंका, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैं रवीन बालिका प्लस टू विद्यालय से राजेंद्र नगर पटना से 11वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे परिवार में सब अच्छे नंबर से पास हुए हैं, मुझे भी अच्छा नंबर लाना है, इसके लिए मैं तनाव में चली गई हूँ, इसके लिए आप मुझे मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका। माननीय प्रधानमंत्री जी, अश्विनी, नवतेज एवं प्रियंका यह महसूस करते हैं कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा कई छात्रों को प्रभावित करता है और इसे हल करने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। अश्विनी, आप क्रिकेट खेलती हैं क्या? क्रिकेट में गुगली बॉल होता है, निशाना एक होता है, दिशा दूसरी होती है। मुझे लगता है कि आप पहले ही बॉल में मुझे आउट करना चाहती हो। अगर परिवार के लोगों के आपके से बहुत अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्षाएं सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं तो वो चिंता का विषय है। उनका सोशल स्टेटस का उन पर इतना दबाव होता है, उनके मन पे इतना प्रभाव होता है कि उनको लगता है कि जब सोसाइटी में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे, अगर बच्चे वीक हैं तो कैसे उनके सामने चर्चा करेंगे। और कभी कभी माँ बाप भी आपकी क्षमता को जानने के बावजूद भी अपने सोशल स्टेटस के कारण अपने आसपास के साथियों दोस्तों में क्लब में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, कभी तालाब में कपड़े धोए जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, बच्चों की बातें निकलती हैं, फिर उनको एक इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है और इसलिए बाहर बहुत बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं अपने बच्चों के लिए और फिर धीरे धीरे वो इंटरनलाइज कर लेते हैं और फिर घर में आकर के भी वही अपेक्षाएं करते हैं। और
समाज जीवन में ये सहज प्रवृत्ति बनी हुई है। दूसरा, आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा। हम तो राजनीति में हैं, हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत लें, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है। 200 लाए हैं तो बोले 250 क्यों नहीं लाए, 250 लाए तो 300 क्यों नहीं लाए, 300 लाए तो 350 क्यों नहीं लाए, चारों तरफ से दबाव बनाया जाता है। लेकिन क्या हमें इन दबावों से दबना चाहिए? क्या पल भर सोचिए कि आपको जो दिन भर कहा जाता है, चारों तरफ से जो सुना जाता है, उसी में अपना समय बर्बाद करेंगे कि आप अपने भीतर देखेंगे, अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। आप कभी क्रिकेट मैच देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ बैट्समैन खेलने के लिए आते हैं और पूरा स्टेडियम, हजारों लोग होते हैं स्टेडियम में, वे चिल्लाना शुरू करते हैं, चौका 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 छक्का छक्का शिक्षक। क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके और छक्के लगाता है? क्या ऐसा करता है क्या कोई प्लेयर? चिल्लाते रहे, कितना ही चिल्लाते रहे, उसका ध्यान उस बॉल पर ही होता है जो आ रहा है। उस बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है और जैसा बॉल है वैसे ही खेलता है, न कि ऑडियंस चिल्लाता है, फोकस रहता है। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो ये आपके जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती हैं, कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे, आप उस संकटों से बाहर आ जाएंगे। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहें। हाँ, कभी कभी दबाव को एनालिसिस कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं के विषय में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आपकी क्षमता बहुत है, लेकिन आप खुद ही इतने डिफरेंस मेंटालिटी के हैं कि नया करने के लिए सोचते नहीं, तो कभी कभी वो अपेक्षाएं बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, बड़ी ऊर्जा बन जाती है। और इसलिए अपेक्षाएं, माँ बाप को क्या करना, वो मैंने पहले ही कहा, सामाजिक दबाव में माँ बाप ने बच्चों पर दबाव ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों ने अपनी क्षमता से कम भी अपने आप को नहीं आंकना चाहिए। और दोनों चीजों के बल देंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ऐसी समस्याओं को बहुत आराम से सुलझा लेंगे।